So hello everyone, Khamma Ganesh and welcome back to today's vlog. तो मॉर्निंग हो चुकी है और इनफैक्ट सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं अब नहाई हूँ और आज मैंने पहना मेरा न्यू नाइट सूट, मैंने नया मंगाया था ये। तो बस अभी नहा के जस्ट आई हूँ और अब मैं अपना करूँगी स्किन केयर। आप लोगों को बहुत बार बताया भी है और आप लोगों को पता ही है यार, विंटर शुरू हो गए है ना। और विंटर्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ड्राइनेस की, मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा होती है, मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो ऐसे में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्किन के लिए टिप है कि आप बहुत अच्छा वाला मॉइस्चराइजर यूज़ करो जो आपकी स्किन को बिल्कुल हाइड्रेट रखे, मॉइस्चर रखे आपकी स्किन में। तो इसीलिए करंटली मैं अपनी स्किन के लिए यूज कर रही हूँ मामाअर्थ की ये हनी मलाई नरिशिंग कोल्ड क्रीम, जिसमें है हनी और मलाई, और ये दोनों हमारी स्किन के लिए ना बहुत ही अच्छे होते हैं, स्पेशली विंटर सीजन के लिए। तो मामाअर्थ की ये कोल्ड क्रीम ऑल स्किन टाइप के लिए है, इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ है। तो हनी हमारी स्किन को नरिश करता है एंड सूथ बनाता है, और मलाई स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाती है एंड एक हेल्दी ग्लो देती है। तो ये प्रोडक्ट डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, इसमें किसी भी तरह का कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है। और साथ ही मामाअर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव और इंडियन ब्रांड है, तो आप मामाअर्थ का जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हो तो ये आपके उस ऑर्डर को एक ट्री के साथ लिंक कर देते हैं, जिसे आप खुद ग्रो होते हुए देख सकते हो और आप ट्रैक भी कर सकते हो। तो मामाअर्थ के सभी प्रोडक्ट्स आपको अमेजन, फ्लिपकार्ट, नायका, पर्पल, फर्स्ट क्राई या फिर मामाअर्थ के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगे। साथ ही मामाअर्थ ने अपना ऑफिशियल ऐप भी लॉन्च कर दिया, तो आप वहां से भी इन्हें परचेस कर सकते हो। लेकिन अगर आप मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट से इन प्रोडक्ट्स को परचेस करते हो तो आप यूज कर सकते हो मेरा ये कूपन कोड जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसे यूज करके आप पा सकते हो एडिशनल एक्स्ट्रा डिस्काउंट। इसके अलावा आप मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स को अपने नियर बाई ऑफलाइन स्टोर्स से भी परचेस कर सकते हो, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जरूर चेक कीजिएगा। वैसे काफी अच्छा लग रहा है ना, मतलब इसका कलर बहुत प्यारा यूनिक सा, मुझे ना ऐसे ही कलर अच्छे लगते हैं, मतलब थोड़े डल से और क्या बोलते हैं पेस्टल कलर, ये सब मुझे अच्छे लगते हैं है ना। तो बस अभी मैं चेंज करूँगी है ना, मेरे स्किन केयर वगैरह तो सब हो गया है, वॉशिंग मशीन में भी कपड़े डालने मुझे धोने के लिए, बच्चों के वो डालूंगी तो अभी हो गया है, अभी शाम हो गई और अभी हो गया डिनर का टाइम, और आज ये बनी है, अभी दिखा दूँ क्या बनी है, दिखाई देती हूँ क्या बनाया है। और ये बच्चों के साथ खेल रहे हैं पीछे, टाइम का ना पता ही नहीं चलता। तो डिनर में बनाई है ये बैंगन की सब्जी, ठीक है, और दूसरी मैंने बनाई है ये फ्राइड इडली, जो कि संजू बना को बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है, इनकी फेवरेट है। तो मैंने इसे थोड़ा ढक के रखा था कि थोड़ा भाप में और अच्छे से हो जाए, मेरी मम्मी को भी बहुत पसंद है, तो फ्राइड इडली बनाई है। अब मम्मी के लिए डाल रहे हैं इडली, साउथ इंडिया का फ्लेवर। और आज इन दोनों को ना ये टोपे बना दिए मम्मी ने, सिलाई वाले से सिलवाए थे दोनों दोनों से बंदर से लग रहे हैं। रुदी, ए रुदी, आप चम्मच खोल लिया ये दी रुदी, आप पकड़ो दे, मम्मी कांटे से खाएगी, मम्मी करी कांटा दे, हमारी मम्मी यही थोड़ी है। हाँ रितू, क्या हुआ, दोनों ने ये वाले, हाँ अच्छा करी जा, तो हाथ से लग गए, चम्मच तो ले लेते, कैसी बनी है, बढ़िया है, चम्मच वहाँ उसको मत खिलाओ, इसमें मिर्ची है, आप उसके लिए लिए थे ना गाथा, वो खाना खा चुकी है, इसमें मिर्ची है, उसको मत दो। कौन जा भाई जन, मैं कहाँ से आऊँ, तू कहाँ उसने मन देवेगी, हम्म, रिद्धू, हम्म, नहीं दे पापा, रिद्धू बहुत टेस्टी है, कैसे बनी मम्मी, अच्छी है, वन टू थ्री, खानो सारो खाए अपना भी पच जाए, खेलता खेलता पकड़ो 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 उसको, देखो वो क्या बाहुबली बन रही है, रितू इसने झर ले रखा है और इसके साथ खेल रही है, किसी से मेलने की तैयारी कर रही है, किसको मेलू, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ये हंसती कितना प्यारा है ना, रुद्रू कैसे खुश हो रहा है, नहीं दूंगा नहीं दूंगा ये नहीं दूंगा रिद्धि को नहीं दूंगा नहीं दूंगा। अच्छा मेरी बेटी ले ले भाई, ये मेरी रानी लक्ष्मी बाई है, अब क्या
ज्यादा ठंड होने लगी ना तो हम यहाँ पर प्लेमेट बिछा के रखते हैं, और इसके आगे ना ये मम्मी की दरी थी पुरानी, शादी ब्याह में बिछाते हैं ना, तो बेड बॉक्स में से निकलवाई थी। इसको बच्चे सुखेड़ देते हैं पता है, हालांकि इसके ऊपर नहीं बैठते, दोनों नीचे बैठे। ग्लव्स कैसे बोला? सुसु कर दिया नहीं। अभी इनका डायपर फ्री टाइम है, अभी 8:30 बजे, अभी 9 बज रहे हैं, 8:30 बजे इन दोनों का डायपर खोला था हमने, अब 9:30 बजे इनको डायपर पहना दिए। हम इनको खुले सांडों की तरह छोड़ देते हैं, ये कोई तोड़ रहा है, कोई खोल रहा है, ये उसके इतने खिलौने ला रखे हैं, पूरा बैग भरा हुआ है खिलौनों का, उसको नहीं खेलेंगे, बस ये जरे ये लेंगे, ये लेंगे, पता नहीं क्या क्या, कटोरी चम्मच, ठीक है, एडवांस बच्चे हैं आजकल के। फिर भागेगा देखना, वो भाग, पकड़ो 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 पकड़ो, चलता कैसे ये? क्या? तो क्या? क्या? अभी पीछे ना पड़ जाएगी, नहीं पड़ जाएगी। इसका पजामा ये रहा, मैं एडवांस में पजामे रखते हैं इन लोगों के लिए, ये रहा रिद्धिसा का पजामा, लो ये रुद्रा का, ये रिद्धि का। ठंडी हो गई गुल्ली, अरे पापा पापा ने पेंट पहना दी, कपड़े नीचे करे इसके, रुकेगी जब ना, भागो 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 भागो, ये दोनों वहां भाग जाते हैं, मम्मी पकड़ के लाती है, फिर गया, पकड़ो इसको हाथी राजा, बम लो, आप मेरी तरफ करो, मैं आपकी तरफ करती हूँ, ठीक है, सो कब आएगा, लाओ मम्मा को दे दो, लाओ मैं ले लूं, ओ एक मिनट, ओ अरे बेचारा फंस गया ब्रेक में, रिद्धि की तरफ आ गया, अब रुद्र की तरफ जाएगा, बूम, लाओ मेरी तरफ, मम्मा की तरफ जाएगा, बूम, अच्छा रुद्र की तरफ आएगा, बूम, ठंड भेजा पड़ रही है। हेलो एवरीवन, खमा खनीसा एंड वेलकम बैक टू टुडेस व्लॉग। मैं ऐसी लग रही हूँ, मैं इनको कह रही हूँ जैसे कोई पहाड़ों में मैं जा रही हूँ। ये मेरी नई मैंने जैकेट मंगाई थी, बहुत ज्यादा वॉर्म है, मस्त है वैसे तो, कोजी कोजी सी, हमारी पुरानी है ये, मैंने पिछले साल इनको बर्थडे पे गिफ्ट दी थी। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट, क्योंकि मैं बच्चों की कुछ ड्रेस लेके आई थी, जो कि एज यूजुअल मतलब रुद्र के तो सही है, रिद्धि की मैंने मतलब साइज तो मैं वही लेके आई हूँ 1 से 1.5 साल के बच्चे के, बट पता नहीं समाओ कैसे रिद्धि के ना वो मतलब मुझे टाइट लग रही, क्योंकि अब सर्दी में मैं ऑब्वियसली इनर वगैरह भी पहनाएंगे वॉर्म, तो इसीलिए तो मैं चेंज कराने जा रही हूँ, दोनों की करा रही हूँ क्योंकि मुझे दोनों का सेम चाहिए, तो बस इसीलिए। और हमें ज्वेलर के पास भी जाना है, क्योंकि बच्चों के जो कड़े थे ना सोने के, बताया था हमने लास्ट व्लॉग में, तो उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट हो गया था, तो वो सही करवाना, तो संजू बना जाएंगे ज्वेलर के, मुझे विशाल में छोड़ देंगे, विशाल मेगा मार्ट में, तो वहां से मुझे चेंज कराना है। ये कल मैं जा रहा है एक ज्वेलर का, तो लगभग 1.5 घंटा लग जाता है नाना करते, कुछ काम नहीं हो तो भी बैठे बैठे ज्वेलर का, माने कल भी 1.5 घंटा लागो, और खासा पीछा खर्च हो गया, अच्छा खासा पीछा खर्च होगा वहाँ का, पर एक मतलब बहुत अच्छा आज जो चीज बनवाई है ना, मतलब शादी में भी के ऊपर, जन्मदिन के ऊपर, तो भाई मतलब एक नंबर बनी है, हालांकि खासी थोड़ी महंगी है पर अच्छी है, शानदार है, बाकी बच्चा का भी कड़ा आ जाए तो सारा सोना में लदड़ा रही, मैं तो कहीं कौन पढ़ूंगा। हमारे बच्चों की बर्थडे की तैयारी स्टार्ट हो गई है, बच्चों की बर्थडे की तैयारी स्टार्ट हो गई है, 19 दिसंबर का बर्थडे है हमारे बच्चों का, पता ही नहीं चला यार ये साल कैसे चला, साल निकल गो, साल पता है, उन बड़े पटावर 1 साल का होगा,
तो सर माँ को पूरा प्लान है, बड़े अच्छे मतलब माँ की तरफ हूँ, माँ की तरफ हूँ तो अच्छो खासो फंक्शन करवा को है, बाकी देखो ऊपर वाला की कृपा है। पता नहीं चला यार, है ना, बहुत मजे आएंगे, बहुत मजे आएंगे। हमने एक एक छोटी से छोटी चीज शेयर की है, हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं वो भी कहते हैं बहुत सारे कि आप सभी हो टोटली जो भी हमारे ब्लॉग्स देखते हो कि आप लोगों के सामने ही देखते देखते बच्चे मतलब बर्थ हुआ उनका, कैसे क्या हुआ, हमने प्रेगनेंसी छुपाई, फिर उसके बाद आपको अनाउंस किया, फिर बच्चे हुए और उनका जो भी सारी ग्रोथ थी सब आपके साथ शेयर किया हमने, पता ही नहीं चला यार। क्यूट क्यूट से चलने फिरने लग गए, बस चलना बाकी है अभी, हालांकि चल ही नहीं है, चल जाएंगे। बोलेगा लेट हो रहा है क्या भाई, ये मतलब 10 मिनट हो गए इसको, इसे गेट नहीं खोल के निकाला जा रहा, ले रही हूं ना मेरे थैले तो ले लो, उसमें कपड़े जा, फटाफट जा, फोन कर देना मेरे को, बाय। बिलिंग करा रहे, हमने सारा सामान ले लिया, 900 रुपए 900 रुपए। तो हम लोग वहाँ से तो फ्री हो गए, बच्चों के कपड़े वगैरह एक्सचेंज करा लिए हमने। हम लोग आए हैं हमारे घर के पास जो DCM है ना, मार्केट एरिया, वहाँ पे, क्योंकि हमें घी लेना था और हम भूल गए, तो अभी परचूने की दुकान से घी लेने गए, क्योंकि घी खत्म हो गया घर में। और मैंने कहा इनका तो फास्ट है, मंगलवार है, तो मैंने इनको बोला कि मुझे दही पतासी खानी है, तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बोले मैं भी तो खा सकता हूँ, मैंने कहा नहीं आज आपका फास्ट है, बोले थोड़ी तो चख सकता हूँ, तो शाम हो गई, मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मेरे लिए तो ले आओ, तो अभी दिखाऊँ। और बहुत मस्त बनाते हैं जिन मतलब यहाँ पे एक भैया है, तो बस दही पताशी खाऊंगी और उसके बाद हम लोग घर जाएंगे सीधा। मैं दोनों बच्चों को लेके नहीं आई, क्यों आप लोग पूछ रहे हो, क्योंकि दोनों बच्चे क्या सो रहे थे, जस्ट वो सोए थे, हम 5:30 बजे दोनों बच्चे सो गए थे, फिर फटाफट मैंने चेंज किया, 5:30 बजे हम घर से निकल गए थे, और अब 6:30 होने वाले हुए नहीं है, तो बस फटाफट घर जाते हैं। तो ये लेके आ गए, हां मां का बेजान चटुड़ी हुई है, कल भी खाई है। आहा, तो ये रही मेरी दही पतासी, कल भी खाई थी, कल नहीं खाई, परसों परसों, हां सॉरी, अच्छी बनावे नहीं, मस्त है, मन खुशबू आ रही मारो, मंगलवार को बरात है, ये मत करे, बढ़िया है, चल आज कौन खावा, कल खा से आपा, ठीक है, थैंक यू। तो हम लोग आ गए घर पे और बच्चे अभी खेलने में लग रहे हैं, मुझे भी इनके, मैंने इनके बहुत सारे कपड़े मंगा रखे, मुझे उनको पैक करना है, मतलब मोली वगैरह बांधनी है। और हाँ, अभी ना मतलब परसों हमारे एक बहुत ही प्यारी और जेन्युइन सब्सक्राइबर जो मैं रेगुलर स्टार्टिंग से देख रहा हूँ, बच्चों को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो उन्होंने बच्चों के लिए ना बर्थडे आने वाला है, बट उन्होंने एडवांस में ही, और एड्रेस पता नहीं उनको कहाँ से मिला, शायद संजू बना से उन्होंने लिया होगा, तो उन्होंने सरप्राइज बच्चों के लिए गिफ्ट के तौर पे कपड़े भेजे, और मैं वो चीज बताना आप लोगों को वीडियो में भूल गई थी, तो सो सारी उसके लिए। उन्होंने ना ये फर्स्ट क्राइ से टोटल 4 ड्रेसेस भेजी है, 2 रुद्र के लिए, 2 ऋतिक के लिए, बहुत ही प्यारी ड्रेसेस है। और सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, जिन भाईसा ने भेजा उनका नाम है आयुषी भाईसा, तो आयुषी भाईसा थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू कि आप इतना ज्यादा बच्चों को प्यार, पर इसकी जरूरत नहीं थी, आप वैसे ही आप लोगों का प्यार बहुत ज्यादा, आप लोग इतना सपोर्ट करते हो, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ उन्होंने क्या भेजा, ठीक है, इसके लिए भेजा क्या, इसके लिए टिंगी, ये लिए बदमाशों के लिए, दीदी इसकी इसको तोड़ने का नहीं है ये, हाँ वाच कर रही है, ये डांस करती है, रुद्र ए रुद्रा। और साथ में ये नोट भेजा बहुत ही प्यारा था, जिसमें देखो लिखा हुआ भी है, टू माय बंडल ऑफ जॉय रुद्र एंड रिद्धि, माय किडोज यू डोंट नो हाउ मच हैप्पीनेस यू ब्रिंग इन माय लाइफ व्हेनेवर आई सी योर इनोसेंट स्माइल, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड लव, हैना फ्रॉम योर लविंग मासी आयुषी। सो थैंक यू सो मच आयुषी मासी फ्रॉम रुद्र एंड रिद्धि। एक तो ये है बहुत प्यारी सी ड्रेस है, दूसरी ड्रेस ये है, ठीक है, और एक ड्रेस ये वाली है, शर्ट है इसमें, ये पैंट है, ये बहुत प्यारी पार्टी वेयर ड्रेस है, रुद्र में बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ना बहुत ही ज्यादा प्रिटी फ्रॉक है ना, कितनी प्यारी, देखो हमारे जिसमें कितनी ज्यादा क्यूट लगेगी, मैं तो सोच रही हूँ बर्थडे पे भी यही पहना दूँ, बट क्या मैंने जो बर्थडे की थीम सोची है ना, हम ब्लू पहनेंगे चारों ही, संजू ना भी, रुद्र दीदी, मैं भी, मेरी ड्रेस भी मैंने कराई है तो ब्लू, इसीलिए पिंक नहीं पहन पा रही, वरना अभी उसके बाद कोई भी ओकेजन आएगा डेफिनेटली मैं पहनाऊंगी, बहुत ही ज्यादा प्यारी है, थैंक यू सो मच। ये देख इनको, देख इनको, अरे रुद्र इसने सारे कपड़े निकाल निकाल के फेंक दिए, दिखते हैं ये फेंक दिया बाहर, रिद्धि क्या कर रही है बेटा डब्बे में, डब्बे में कुछ नहीं है, मेरे बोलू सा बेटा, रिद्धू ओ दे दो भाई, बिल दे दो भाई,
अरे बाजरा की रोटी खाओ घी और गुड़ मिलार। आज मैं बाजरा की रोटी मिला लिया यो। एक तो बाजरा का मान आ है कि कमाना घी चाय कत्तो ही डले जाओ सूख जाए थोड़ी देर कमाना पी जाए। और मारी मम्मी पता क्या पहले है ना मतलब जब पहले खाता नहीं जब मम्मी वगैरह या माँ के दादी साहब वगैरह माने यहाँ खुआता जब गुड़ दही मिला देता गुड़ और घी और फिर बाद बीनड़िया बनाता यहाँ बीनड़िया बनाता यहाँ अब बीनड़ी होगी मन यहाँ बीनड़िया बनाता अब बीनड़ी है फिर खिलाते हैं फिर बीनड़ी नहीं खा जाता बहुत गलत बात यहाँ। तो इनका फास्ट है मंगलवार का तो अभी बाजरे की रोटी बनाई है मम्मी ने तो बाजरे की रोटी घी और उसमें गुड़ डाल के खा रहे तो ये एक रोटी तो बाजरे की गुड़ के साथ खाते हैं और दूसरी रोटी खाते हैं फिर सब्जी के साथ तीसरी खा बाकी तिरेवा को नहीं तो दही के साथ खा लिया। ये यहाँ पैकिंग में बिजी सारी हो गई पैकिंग हाँ अभी तो बच्चे हैं कितने बच्चे हैं सबकी मैंने पैकिंग कर चुकी है टोटल 21 है मतलब 11 रुपए के 11 हिंदी के और अब मैं ये वाला कर रही हूँ लास्ट बचा हुआ है मतलब दो बचा है लास्ट बाकी तो सब ऑलमोस्ट कर दिया मैंने। वाह ये ऐसे क्या सिनेमैटिक सीन दे रहे हो क्या वाह वाह क्या कमाल डिंगर क्या कर रहे हो टिंगो हाँ भाई हाँ भाई क्या बेटा ये दोनों आजकल एक दूसरे के साथ में खेलते रहते हैं एक दूसरे को पता नहीं किस बात पे हंसने लग जाएंगे एक दूसरे के साथ। रुद्रा ये खाने की चीज है बेटा दीदी वो मेरे गोलगप्पे क्यों लोया बोए किसने बोला था आपको चेयर चलाने को कुर्सी चलाने को किसने कहा था बम हो गया बेटा बोल बो अच्छा सभी को बोल रहे हो कि भाई चुप कराओ भाई लिद्दी को अच्छा अच्छा मैं बकरी